YouTube के इस चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ और आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज। लेकिन कौन सा बैक्टीरियल डिजीज? हम लोग पढ़ेंगे फूड एंड वाटर बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो फूड एंड वाटर बैक्टीरियल डिजीज जितने भी होते हैं वो ज्यादातर क्या होता है, कॉन्टामिनेशन या उसके स्पोर जो होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से आपके नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में बाय ए कॉन्टामिनेशन ऑफ कुछ फ्लाइज के द्वारा वो क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। तो सम कैटेगरी हम लोग पढ़ते हैं जो इम्पॉर्टेंट है किसी भी वन डे एग्जाम के लिए। तो फूड एंड वाटर बॉर्न के डिफरेंट टाइप के जो डिजीज के कैटेगरी है, बैक्टीरियल डिजीज की जो कैटेगरी है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम डिजीज के बारे में यहाँ लिखे हैं, आफ्टर दैट काउजेटिव एजेंट जिसमें किसकी वजह से होता है, नेम एंड टाइप। आफ्टर दैट सिम्टम्स, व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज, एंड फाइनली ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट डिजीज जिसको हम लोग यहाँ बोलेंगे बॉटुलिज्म। तो बॉटुलिज्म क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीज है जो क्या है, फूड बॉर्न डिजीज है, ठीक है। और इसकी जो स्पोर होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इंटेस्टाइन ऑफ फिश है, बर्ड्स है, और कुछ काउ या हॉर्स उसकी बॉडी में आपके क्या करते हैं, ये स्पोर इसके एग्जिस्ट करते हैं। जब ये सॉइल में पहुंचते हैं तो मैन्योरिंग का काम करते हैं, लेकिन जब ये सॉइल के बाद ये हार्वेस्टेड प्लांट में आपका क्या होता है, जब प्लांट हार्वेस्ट करते हैं हम लोग, तो सॉइल से वो कहाँ गए, हार्वेस्टेड प्लांट में ट्रांसफर किए। और जब ये हार्वेस्टेड प्लांट को हम लोग कैन फूड के रूप में, जैसे उसको क्या कहते हैं डब्बा बंद फूड, तो उसमें जब कैन फूड के रूप में उस हम लोग रॉ मटेरियल को यूज करते हैं तो ये क्या करते हैं, इसके स्पोर्स जो होते हैं एनारोबिक कंडीशन में बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं और फाइनली क्या करते हैं, एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। किस कंडीशन में, बहुत इंपॉर्टेंट याद है ध्यान रखने वाला, एनारोबिक कंडीशन में। तो जो भी हम लोग कैन फूड खाते हैं ज्यादातर, अगर अब कहा भी जाता है कि अगर डब्बा जो है ब्रोकन हो या कहीं पे या ब्रेक हो तो ऐसे डब्बे को नहीं लेना चाहिए, फिर नॉर्मल भाषा में कहते हैं डब्बे में कोई भी आपका एयर टाइट कैन डब्बे में अगर कोई भी आपको डिसबैलेंस दिख रहा है तो उस डब्बे को आप ना लें। तो नॉर्मली ये क्या करता है, एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और एनारोबिक कंडीशन में। तो जिस कॉजेटिव एजेंट के द्वारा ये होता है वो क्या होता है बेटा, उस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रिडियम बॉटुलिनम। और अगर टाइप की बात करें तो ये क्या है बेटा, ग्राम पॉजिटिव रॉड लाइक बैक्टीरिया होता है। और किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है बेटा, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो ये प्रोड्यूस करता है एक्सोटॉक्सिन विच एक्टिवेटेड, जो भी ये एक्सोटॉक्सिन एरोबिक कंडीशन में प्रोड्यूस करता है तो वो एक्सोटॉक्सिन जो होता है वो क्या करता है, एक्टिवेट होता है एंजाइम्स ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम्स के द्वारा, जो हमारे इंटेस्टाइन में एंजाइम्स होता है उसके द्वारा वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, एक्सोटॉक्सिन जो आपका करता है एडवर्स इफेक्ट को कॉज करता है। अब इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ब्लर्ड विजन क्या होता है, धुंधला दिखना, इम्पेयर्ड स्पीच, पर्सन जो होता है ठीक से बोल नहीं पाता है, डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग एंड चुइंग, मतलब खाने और चबाने में क्या होता है डिफिकल्टी होती है, और साथ ही साथ रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, यानी सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। तो इस कंडीशन को नॉर्मली हम जो यहाँ पे जो फाइनली ये सिम्टम्स पहुंचता है, सिम्टम्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैसिड पैरालिसिस कहते हैं। तो फ्लैसिड पैरालिसिस के कंडीशन कब होता है, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से वो सांस नहीं ले पाता और फाइनली क्या होता है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता और ये पैरालिसिस की कंडीशन होने लगती है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये एक्सोटॉक्सिन जो है क्या करता है, इनवीट करता है जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है नर्व कंडक्शन में, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है, तो वो क्या करता है, एक्सोटॉक्सिन जो इसकी एक्सोटॉक्सिन जो सिक्रीट करता है वो क्या करता है, इनवीट करता है एसिटाइल कोलिन को, जिसकी वजह से क्या होता है, नर्व जो है कंडक्शन जो होता है साइनेप्टिक नर्व कंडक्शन नहीं हो पाता है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो सर्टेन ड्रग कॉल्ड एज एंटीटॉक्सिन जो है यूज करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट पे, लेकिन ये क्या करता है, विच प्रिवेंट द टॉक्सिन फ्रॉम कॉजिंग एनी मोर हार्म, यानी इसका परमानेंट क्योर नहीं है, क्या करता है ज्यादातर हार्म से वो बचाता है। और सम एंटीबायोटिक्स जैसे हम कह सकते हैं पेनिसिलियम जी और मेटानाइडाजोल जो हम यूज कर सकते हैं या हेल्पफुल होता है। और डेथ हो जाता है ड्यू टू रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस में क्या होता है, वो सांस नहीं ले पाएगा, हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम उसको होने लगती है। अब अगर दूसरी डिजीज की बात करें बेटा, तो क्लोस्ट्रिडियम फूड पॉइजनिंग, ये भी फूड बॉर्न
बैक्टीरियल डिजीज है और ये क्या करता है, ये भी टॉक्सिन सिक्रीट करता है एनारोबिक कंडीशन में। तो फूड पॉइजनिंग नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि फूड पॉइजनिंग में क्या होता है, जो भी खाएं और वो क्या है, भले उसके जो है बैक्टीरिया जो है वो डाई हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं जैसे भी, लेकिन क्या होता है उस कंडीशन में, ये क्या होता है उसके जो एक्सोटॉक्सिन या टॉक्सिन का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या करता है फूड को पॉइजन कर देता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है और फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, तो अगर इसके कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो ये किसके द्वारा कॉज होता है बेटा, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेस। और ऑर्गन इफेक्टेड की बात करें तो ये किसको ऑर्गन, कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है बेटा, इंटेस्टाइन। और अगर टाइप की बात करें तो ये क्या है बेटा, ग्राम पॉजिटिव रॉड से बैक्टीरिया ये भी है। अगर आप इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स के बारे में सिंपली क्या बताओगे कि ये भी क्या है, ड्यू टू टॉक्सिन, क्योंकि क्या कर रहा है बेटा आपका एनारोबिक कंडीशन में एक टॉक्सिन को सिक्रीट कर रहा है, तो टॉक्सिन सिक्रीट करने की वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीजेस द वाटर सिक्रीशन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी वाटर है वो क्या होते हैं आपके, क्या होंगे बेटा, वो वाटर उसकी बॉडी से बाहर निकलने लगेंगे, सिक्रीशन होने लगेगा वाटर को, यानी इसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, लूज मोशन, जिसमें क्या होगा डायरिया के सिम्टम्स हो जाते हैं, यानी लीडिंग डायरिया, यानी डायरिया के सिम्टम्स हो जाते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, लेकिन एब्डोमिनल पेन तो होता है लेकिन उस पर्सन को कोई भी फीवर नहीं होता है और ब्लड इन्वॉल्वमेंट भी उस स्टूल में या उसके फीकस में नहीं होता है, और एब्डोमिनल पेन होगा और लूज मोशन होगा, हैवी वाटर का क्या होगा आपका सिक्रीशन हो जाएगा, जिससे इंटेस्टाइन में आपका क्या हो जाएगा, पेन होने लगेगा। अगर इसकी बात करें तो डेथ इसकी जो होती है ये रेयर है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या ध्यान देने वाली बात है बेटा कि सीवियर केस आर ट्रीटेड विद द एंटीटॉक्सिन एंड पेनिसिलिन, जस्ट लाइक ए ट्रीटमेंट ऑफ, आप क्या कह सकते हो बॉटुलिज्म के ट्रीटमेंट की तरह ही आपका क्या है, उसका भी ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंटीटॉक्सिन दे रहे हैं और पेनिसिलिन दे रहे हैं। ये क्या हो गया बेटा, ये हुआ फूडबॉर्न डिजीज, जिसको हम क्लोस्ट्रीडियम फूड पॉइजनिंग कहेंगे। तो नेक्स्ट स्टेफलोकोकस फूड पॉइजनिंग, तो अबाउट 25% पीपल एंड एनिमल्स हैव स्टेफी इन देयर स्किन एंड नोज, 25% स्टेफी यानी स्किन और नोज पे स्टेफिलोकोकस जो है बैक्टीरियम अक्सर पाया जाता है, और ये क्या करता है, ये भी टॉक्सिक सिक्रीट करता है और कॉजिंग करेगा फूड पॉइजनिंग। अगर इसकी कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो ये किसकी वजह से होता है, स्टेफिलोकोकस ऑरेंज, और अगर टाइप की बात करें कि ग्राम पॉजिटिव ब्रॉड से बैक्टीरिया की वजह से होता है। ऑर्गन इफेक्टेड, इस ऑर्गन को इफेक्ट करता है इंटेस्टाइन को, लेकिन एक चीज बहुत याद रखने वाली बात है कि इसके जो बैक्टीरिया होते हैं, जब हम फूड को कुकिंग करते हैं या पकाते हैं तो इसके बैक्टीरिया तो क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है इसके जो टॉक्सिन वो सिक्रीट करता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, और ये क्या करते हैं फूड के साथ मिक्स करके फूड पॉइजनिंग करेंगे और फाइनली पीपल को, जो भी पीपल है उसको क्या करेंगे, इल कर देंगे, यानी इलनेस कॉज करेंगे। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या होता है इसका, नौसिया, चक्कर आना, वॉमिटिंग होना, स्टोमक क्रैम्प, मतलब पेट में गुड़गुड़ाहट और दर्द जिसको हम कहेंगे, फाइनली लीड टू डायरिया, यानी फाइनली क्या हो गया, डायरिया की कंडीशन उसको हो जाती है। और इलनेस कैन ऑल्सो बी पास फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जैसे इससे पहले हम लोग ने हुआ कि इन्फेक्टेड पर्सन से क्या हो रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो क्या होता है, इन्फेक्शन फैल सकता है, लेकिन यहाँ पे ये इन्फेक्टेड पर्सन से ये डिजीज नहीं फैलती है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसका क्या है, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूड, क्योंकि ज़्यादा लॉस हो जाता है वाटर का तो हम लगातार क्या देना चाहिए, पानी की कमी हो जाती है शरीर में, इसलिए पानी उसको हमेशा देना चाहिए। फॉर सीवियर पर्सन में रिक्वायर इंट्रावेनस फ्लूड, और जो बहुत सीवियर पेशेंट हो जा रहे हैं या पर्सन है उनको हम क्या करते हैं, पानी ड्रिप चढ़ाते हैं या इंट्रावेनस फ्लूड को हम सप्लाई करते हैं। एंटीबायोटिक इसके लिए हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक क्या होता है, ये टॉक्सिन को नहीं अफेक्ट करता है, तो इसलिए एंटीबायोटिक का यूज यहाँ पे नहीं होता है। आफ्टर दैट सेल्मोनेलोसिस, तो सेल्मोनेलोसिस क्या होता है बेटा, कॉमन अमंग चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं उनमें ये बहुत ही कॉमन होता है, और ये इसका मेन सोर्स क्या है, वाटर और फूड बॉर्न डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज तो है लेकिन मेन सोर्स क्या है, जितने भी वो रॉ मटेरियल के रूप में फूड या वेजिटेबल्स या मीट या जो भी चीज़ या अनकुक्ड फूड को खाया जाता है, तो उसकी वजह से ये बैक्टीरिया डिजीज हो जाता है, यानी रॉ एंड अनकुक्ड फूड, मीट, आपका एग्स बोल सकते हैं, फ्रूट बोल सकते हैं, वेजिटेबल, तो उसके द्वारा ये फैल जाता है। अगर इसकी कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो इसकी कॉजेटिव एजेंट क्या है बेटा, सेल्मोनेला सेरोटाइप, ठीक है, और किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन को। और अगर टाइप की बात करें कि किस तरह का बैक्टीरिया है, तो ये ग्राम नेगेटिव रॉड से बैक्टीरिया है,
इंटेस्टाइन को कॉज करता है, तो ये क्या करता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये कहाँ पे ज़्यादातर रिपोर्टेड या कहाँ पर ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है, यानी मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपोर्टेड इलनेस इन यूनाइटेड स्टेट में ये बीमारी ज़्यादा कॉमन है। और अगर इसके हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या है, क्रैम्प इन स्टोमक, यानी स्टोमक में आपका जो क्रैम्पिंग होती है, और ब्लडी पॉप बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, ब्लडी पॉप, यानी जो भी होता है ब्लड आपका क्या होता है आता है, ठीक है। और डायरिया के सिम्टम्स होती है कोल्ड एंड चिली फीवर, कोल्ड और चिली फीवर महसूस होता है, उसको ठंडा लगता है और जैसा लगता है ठंडा लग के बुखार हो रहा है, साथ ही साथ हेडेक होता है, और फाइनली क्या होता है अपसेट हो जाता है स्टोमक, ठीक है। अब एक और ध्यान देनी है कि अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें तो ये क्या करता है, ये बीमारी जो है जो भी पर्सन को हो रहा है, चाहे वो ओल्डर एज के हैं या यंग एज के हैं या बेबीज हैं, जिनको भी हो रहा है, क्योंकि ये चिल्ड्रेन में तो मोस्ट कॉमन है, तो उसके क्या करता है, इसके इम्यून सिस्टम को ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। और ये इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एंड अदर फ्लूड्स, जितने भी जितना से ज़्यादा हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की कोशिश करेंगे कि उसकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो, वाटर हो, प्लेंटी फूड हो यूज करें, ठीक है। और टेक ए मेडिकेशन लाइक लोपोमाइट, और जिसको हम आइमोडियम भी कहते हैं। तो सेल्मोनेसिस भी वाटर एंड फूड बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज हुआ। आफ्टर डैट टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि टाइफाइड जो होता है कॉन्टामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर की वजह से होती है, और इसकी जो बैक्टीरिया होती है बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस की होती है, यानी बैक्टीरिया इज वेरी रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, और क्या करता है अलाइव फॉर लॉन्ग पीरियड इन फ्रेश वाटर एंड फूड्स, ठीक है। और टाइफाइड मेरी ने बताया कि ह्यूमन जो है आपका एक कैरियर के रूप में है, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होता है वो हार्बोर करता है लॉन्ग पीरियड इस बैक्टीरिया को, और अपने फीकस से क्या करता है वो उसको डिस्चार्ज करता है या सेड करता है, और ये जब आपका कॉन्टेमिनेशन फूड और वाटर से मिलता है तो फिर आपका क्या होता है अनदर पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है। अगर इसकी कॉजिटिव एजेंट की बात करें तो किसकी वजह से हो रहा है बेटा, सेल्मोनेला थाइपी की वजह से हो रहा है, और ये क्या है ग्राम नेगेटिव रॉट टाइप बैक्टीरिया है। ऑर्गन अफेक्टेड की बात करें कि किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तो ये अफेक्ट करता है इंटेस्टाइन को, ब्लड को और गोल ब्लाडर को, ठीक है। बैक्टीरिया इज एसिड रेजिस्टेंस, मीन्स कहने का मतलब क्या है कि हमारे स्टोमक में एसिड सिक्रीट होता है, HCl आप जानते ही हैं, और वो क्या करते हैं जितने भी बैक्टीरिया होते हैं इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन इस बैक्टीरिया को हमारा स्टोमक का एसिड डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है पास हो जाता है स्टोमक से, कहाँ पे इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में या इंटेस्टाइन में ये क्या करता है बहुत ही क्विकली क्या करता है मल्टीप्लाई करता है, और क्या करेगा प्रोड्यूस करेगा डीप अल्सर, यानी उसके लेयर में उसके जो इंटेस्टाइन के जो वॉल है उसमें क्या करेगा अल्सर या घाव कर देगा, ठीक है। अनदर सिम्टम्स क्या है, कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लडी स्टूल, और साथ ही साथ क्या है ब्लडी स्टूल जब होता है तो वो क्या होता है, ब्लडी स्टूल आर इंडिकेशन ऑफ बैक्टीरियल पेनिट्रेशन टू द ब्लड वेसल्स ऑफ इंटेस्टाइन, यानी बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के ब्लड वेसल तक इंटर कर जाता है, उसको इंजरी करता है, तभी तो अल्सर होता है घाव हो जाता है, तो वही ब्लडी स्टूल के रूप में डिस्चार्ज होता है। और सब इसके बाद क्या होता है फीवर जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, यानी फीवर राइज ग्रेजुअली, साथ ही स्किन पे क्या होता है जब इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा हो जाता है तो स्किन पे ब्राइट रेड रोज स्पॉट पूरी उसकी स्किन पे, लोअर एब्डोमिन पे, ये सब पे आ जाता है, और ये टाइफाइड का सिम्टम्स हैवी सिम्टम्स होता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो प्रीवियसली इसको ट्रीटेड किया जाता था क्रोमो फिनॉल से, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ बैक्टीरिया इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस को डेवलप कर दिया, और प्रेजेंट टाइम में हम क्या यूज करते हैं बेटा एमोक्सिलिन, और साथ ही साथ क्या यूज करते हैं सल्फा मेथो जल ट्राई मेथो प्रीम का यूज करते हैं, और एंटीबायोटिक नॉट इफेक्टेड इन गोल ब्लाडर, अगर ये इन्फेक्शन गोल ब्लाडर तक पहुंच जाता है तो वहां पे एंटीबायोटिक्स का कोई भी क्या होता है इफेक्ट नहीं होता, और फाइनली गोल ब्लाडर को रिमूव करना पड़ता है। और साथ ही ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं केमिकली किल्ड बैक्टीरिया आज यूज इन वैक्सीन फॉर द टाइफाइड फीवर, यानी छोटे बच्चों को भी क्या होता है टाइफाइड फीवर के लिए इंजेक्शन या वैक्सीन लगता है, जिसमें क्या होता है अबाउट आपका 1 लाख डेड ऑर्गेनिज्म होता है इन ईच डोज में, और उसके क्या उसके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि उसके अगेंस्ट उसका इम्यून सिस्टम से वो डेवलप हो पाए। तो टाइफाइड फीवर जो है वो बहुत ही क्या है सीवियर डैमेज कॉज करता है इंटेस्टाइन में। आफ्टर डैट बैक्टीरियल डिसेंट्री, तो बैक्टीरियल डिसेंट्री की बात करें तो ह्यूमन आर ओनली रिजर्वायर ऑफ सिंगेला, यानी जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है बैक्टीरियल डिजीज
तो सिर्फ ह्यूमन क्या होता है, इसका रिजर्वॉयर है, ठीक है, और ये इन्फेक्शन फैलता है ह्यूमन टू ह्यूमन। अगर पॉजिटिव एजेंट की बात करें बेटा, तो ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, सिंगेला सेरोटाइप, ठीक है, और ये बैक्टीरिया क्या होता है, ग्राम नेगेटिव रॉटसेप बैक्टीरिया है। अगर ऑर्गन अफेक्टेड की बात करें कि किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तो ये इंटेस्टाइन और साथ ही साथ कोलोन के म्यूकोजा लेयर को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। तो ये डिजीज जो होता है, इन्फेक्शन कैसा होता है, फीकल ओरल इन्फेक्शन, यानी जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे, ठीक है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स इसका क्या होता है, मोरेजिक कोलाइटिस, ठीक, हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, साथ ही साथ लूज स्टूल होता है, यानी डायरिया लाइक सिम्टम्स होता है, जिसके साथ ब्लड एंड म्यूकस जो होता है वो मिक्स होता है, जो उसके स्टूल में देखा जाता है। नॉर्मली हम कहते हैं कि आँव देखे, आँव हो रहा है, पेट में आँव हो रहा, मरोड़न हो रहा, तो वही इसके सिम्टम्स हैं। और साथ ही साथ फीवर और एब्डोमिनल क्रैम्प इसका सिम्टम्स है। और अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीबायोटिक कॉमनली यूज टू इंक्लूड द बैक्टीरियल डिजीज, तो बैक्टीरियल डिजीज के लिए जो हम यहाँ पे यूज करते हैं एंटीबायोटिक, उसमें क्या है बेटा, एम्पिसिलिन है, साइप्रोफ्लॉक्सिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, ये सब हम यूज करते हैं, ठीक है। एंटी डायरिया मेडिकेशन नॉट यूज, एंटी डायरिया मेडिकेशन यूज नहीं किया जाता है। तो ये हो गया बैक्टीरियल डिजेंट्री। आफ्टर डैट कॉलरा, तो कॉलरा क्या है, सीवियर डिसेंट्री है, जो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। रॉबर्ट कोच इन 1883 वर कल्टिवेटेड, इसके बैक्टीरिया को फर्स्ट टाइम कल्चर किया था। तो ये बैक्टीरिया भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है पावरफुल टॉक्सिन, और ये टॉक्सिन स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, जिसको हम क्या कहते हैं, एडिनाइल साइक्लेज। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये इन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अगर कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो ये क्या हो रहा है, विब्रियो कॉलरा की वजह से हो रहा है, और ये ग्राम नेगेटिव रॉटसेप बैक्टीरिया है। ऑर्गन किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन। अब ये बैक्टीरिया क्या होता है, ये रीच करता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में या सिस्टम में, और जब ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में जब ये स्टोमक से जाता है, तो स्टोमक क्या करता है, स्टोमक का जो एसिड होता है वो सिक्रीट करता है और बहुत सारे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जो बैक्टीरिया बच जाता है वो इंटर करता है फाइनली कहाँ, इंटेस्टाइन में। लेकिन वो क्या होता है, रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होते हैं, इसके पास रेजिस्टेंस पावर होता है, और फाइनली ये क्या करता है, जो फिर वो प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन, और ये टॉक्सिन क्या करता है, प्रोडक्शन कराता है एडिनाइल साइक्लेज, और एडिनाइल साइक्लेज क्या करता है, इंक्रीज कर देता है लेवल ऑफ एएमपी, ठीक है, और ये लीडिंग करेगा सिक्रीशन ऑफ हैवी फ्लूड बाय द इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन में जितना भी वाटरी फ्लूड है उसका क्या करेगा, सिक्रीशन कराएगा, कौन कराएगा बेटा, एएमपी, और एएमपी को कौन स्टिमुलेट कर रहा है, एडिनाइल साइक्लेज, और एडिनाइल साइक्लेज को कौन स्टिमुलेट कर रहा है, ये बैक्टीरिया का टॉक्सिन। तो इस तरह ये सर्कल चलता रहेगा, और इस तरह क्या करेगा, इंटेस्टाइन में जितने भी वाटर या फ्लूड है उन सबको क्या कराएगा, वो डिस्चार्ज कराता रहेगा। अगर सिम्टम्स की बात करें तो ये सबसे जान लीजिए इंटेस्टाइन को डिस्टर्ब कर रहा, तो सीवियर डिसेंट्री हो रहा है, ठीक है, और वॉमिटिंग होगा, वायलेंट क्रैम्प होगा विथ मच लॉस ऑफ वाटर, यानी बहुत ही ज्यादा बॉडी से वाटर का लॉस हो जाएगा। आइज जो होगी वो सुंडेड इन ग्रे एंड सिंक इन टू द ऑर्बिट, मतलब उसका एकदम क्या होगा, इनबैलेंस हो जाएगा, आंख उसके क्या हो गए, पूरा घूमने लगेंगे और ऑर्बिट में वो सिंक कर जाएगा, ठीक है, जैसे कहते हैं कि एकदम उसका शरीर में जान नहीं है, उस तरह का उसके सिम्टम्स आ जाएंगे। हैवी लॉस ऑफ वाटर की वजह से क्या हो रहा है, स्किन ड्राई हो जाएगा, रिंकल हो जाएगा, और उसको क्या है, कोल्ड और मस्कुलर क्रैम्प लगेगा, मतलब वीकनेस लगेगा उसके आर्म और लेग में, जैसे लूज मोशन में हो जाता है तो लगेगा कि उसके पास बॉडी है ही नहीं, बॉडी में उसके ताकत है ही नहीं, और इस वजह से हैवी जो वाटर का लॉस हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड में जो वाटर का कंसंट्रेशन था प्लाज्मा में वो कम हो जाता है, तो ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लड थिकेंड हो जाएगा, और यूरिन प्रोडक्शन जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा, और यूरिन प्रोडक्शन के स्टॉप होने की वजह से क्या होगा, जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट थे वो बॉडी में ही एकुमुलेट करेगा, और इस तरह ये क्या करेगा, टिश्यू सफर टू टॉक्सिक डैमेज, यानी टिश्यू जो है अब वो क्या हो जाएगा, टॉक्सिक होने लगेगा, और फाइनली ये क्या होगा बेटा, स्लग ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, स्टॉप ऑक्सीजन टू दिस वाइटल ऑर्गन, क्या होगा, इसी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन जो है ब्रेन में बहुत, ब्लड के थ्रू ब्रेन में बहुत धीरे धीरे जाएगा, और ब्रेन में जब ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंचेगा, ठीक है, ब्लड पहुंचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो और ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, जो पर्सन है वो कोमा और कोमा में चला जाएगा, और फाइनली उसकी डेथ हो जाएगी। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, क्रिटिकल ट्रीटमेंट इज टू रीस्टोर द वाटर बैलेंस इन द बॉडी, यानी वाटर का बैलेंस करना, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करना इसकी बॉडी में।
इंटरवेनस इंजेक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन आर यूज इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। तो इस कंट्रोल के लिए हम टेट्रासाइक्लिन का इंटरवेनस इंजेक्शन भी दे सकते हैं, साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, इम्यूनाइजेशन विथ प्रिपरेशन ऑफ द डेड बैक्टीरिया प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर अबाउट 6 मंथ। और फाइनली हम क्या कर सकते हैं, पर्सन हाइजीन सैनिटेशन इनटेक ऑफ फूड प्रिपरेशन, ये भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो कॉलरा जो है क्या है, बहुत ही सीवियर डिजीज है जिसकी वजह से क्या होती है, मौत तक हो जाती है। और इस तरह क्या होता है, ये पूरे बॉडी में वाटर का लॉस हो जाता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, और फाइनली क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलने पर बॉडी को वर्क नहीं हो पाता है, सारे मस्कुलर में क्या होता है, क्रैम्पिंग होने लगती है, और फाइनली पर्सन का डेथ हो जाता है। एंड लास्ट गैस्ट्रोइंटराइटिस, गैस्ट्रोइंटराइटिस तो इसकी कॉजिटिव एजेंट क्या है, ईकोलाई है, और ये ग्राम नेगेटिव ब्रॉड सेल बैक्टीरिया है। तो फ्लू जो होता है ये टिपिकली स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ऑर्गन इन्फेक्टेड की बात करें तो सेम एज इट क्या करता है, इंटेस्टाइन को ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स जस्ट लाइक डायरिया की तरह होती है, बॉडी क्रैम्प होता है, नौसिया होगी उसको, वॉमिटिंग जैसा लगेगा, और लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख लगेगा ही नहीं। इन्फ्लामेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और साथ ही साथ क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में स्वेलिंग हो जाता है, और फाइनली ब्लडी स्टूल पास आउट होता है। और ये क्या करता है, मे कॉजेस डिहाइड्रेटेड एंड हैव ए इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और फाइनली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से किडनी फेलर हो जाएगा। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो समटाइम ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक, लेकिन फिर भी हम लोग क्या यूज करते हैं, इंट्रावेनस, क्योंकि आपका लॉस होता है वाटर का, ठीक है, स्टूल के साथ, तो इंट्रावेनस फ्लूड यूज कर सकते हैं, और फाइनली क्या, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आज इस टॉपिक में हम लोग ने बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में स्टडी किया, जो वाटर एंड फूड बॉर्न डिजीज है, जो किसी भी कंपटीशन में, वन डे के कंपटीशन में, और किसी भी कंपटीशन, आईएएस की कंपटीशन हो या पीसीएस की कंपटीशन है, ये सारे डिजीज के बारे में पूछा जाता है। साथ ही साथ एकेडमिक बीएससी और एमएससी के सिलेबस का ये है ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके व्यूअर्स, थैंक्स।